भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चमत्कार है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हवा के विपरीत दिशा में मंदिर की ध्वजा का लहराना भी इन्हीं चमत्कारों में से एक है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। हवा के विरुद्ध ध्वज लहराने का संबंध हनुमान जी से है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज के कारण भगवान विष्णु को विश्राम करने में कठिनाई होती थी। यह बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी वाणी रोक लो, क्योंकि तुम्हारे शोर से मेरे स्वामी को चैन नहीं आ रहा है। तब समुद्र ने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है, यह ध्वनि उतनी ही दूर तक जाएगी जितनी हवा की गति जाएगी। इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव से निवेदन करना चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उन्हें मंदिर की दिशा में न बहने के लिए कहा। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए गए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को दो भागों में बांट लिया और फिर वो हवा से भी तेज गति से मंदिर की परिक्रमा करने लगे। इससे हवा का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर ना जाकर मंदिर के चारों ओर घूमती रहती है और श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आराम से सो जाते हैं। इसी वजह से मंदिर की ध्वजा भी हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।